सुनिए, जब से आपने चार्ज किया है ये कार्यकर्ता का सब, आप पैसे लूट खसोल के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो, पहले मेरी बात सुनिए, जब भी फैसला कराते हो, अरे विधायक का फोन आया, ठीक है पहले 5,000 बढ़ा दो, 20,000 रुपए लोन से फैसले में, आप कुछ भी फैसले 20,000 रुपए लोन से। यार अच्छा हमने थाने फोन किया, मैंने कहा भैया फैसला कर रहा है कार्यकर्ता तो फैसला करा दीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे लो। सच्चाई आप जो है अब हमारा पेट्रोल खर्च कौन देगा भाई, हम तो पकड़ के लाए भाई, इसका दो हर जाना दो टैक्स दो इसका नहीं, ये क्या हो रहा है का सामना तो करो, एक मिनट का देखो ना। हाँ। ये बताओ आपने आती मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता जी उसमें हॉस्पिटल पड़े रहे। हाँ। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना। हाँ। आपने फिर भी क्रॉस किया, किससे कहने पर? अच्छू साहब के कहने पर, उसने कहा खुद आपसे। अच्छा, अरे अच्छू साहब ने कहा, मैंने अच्छू साहब नेता करी, मैंने आपसे कहा था अच्छू साहब नेता करी करेगा ना, अच्छू साहब ने काम कर लिखने के लिए आपसे फोन पे बात हुई है, मैंने उसे कहने मुकदमा, मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, को किससे कहने पे मुकदमा काम किया। आप बात करते हैं, आपने मारपीट क्यों करी मेरे भाई? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता कर रहे हो, मारपीट करोगे उसके? नहीं, क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं? नहीं कार्यकर्ता पर आप मुझे, नहीं आप एक बात बताओ, हर चीज को आप हल्के से लेते हो, आप आके मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता आके मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, इसका जाना आप जानते हैं क्या? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए, आप सरकार की क्या, अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं, आप हमें बंद कर दीजिए। ऐसे आदमी आपको जनता ने चुना, अरे हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है, थाने पर घुस के, आप हमें कर्तव्य पता है हमारा, थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ, आप हमारे साथ जो आपको करना है आप हमारे साथ कर दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने मारपीट क्यों करी? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे आप हमारे साथ? नहीं बदतमीजी करोगे, नहीं हमारी जनता का बदतमीजी करोगे? आप एक बात बताइए, ये बताओ नहीं होगा तो मारोगे आप? है? आप मारोगे? नहीं हमने तो नहीं मारा, तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने, नहीं जब, नहीं आपने शुरुआत की, क्या कि मैं तो आपको सम्मान का बैठी, आपने कभी आज तक नहीं कहा, आपने हमेशा, आपने हमेशा हमारा अपमान किया, चाहे फोन पे किया हो चाहे आपने बैठ के, मुझे बता दीजिए आपने मेरा किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना, नहीं नहीं लेकिन आप नहीं दे पाएंगे, और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मगर बैठी भी जाएगी, और आप जो है मारपीट कर रहे हैं। आप चाहे मेरे साथ करिए, पर मैं कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। बताओ इसी जवान को रखो, एक दिन पहले तुमने छुड़ाने के लिए कितने गधे घोड़ा दौड़ा लिए थे, वो जो मुसलमान पकड़ा था मैंने, नहीं हमने कभी नहीं कहा एक भी, अभी नहीं सभी जनता के सामने सुना दो, तुम्हारी सुनवा दीजिए, कभी भी किसी मुसलमान को हम आज तक छुड़वाने के लिए कहते, ऐसा बोलो आज तक कभी नहीं कहा, बोलो जो बैकफुट में ना जाना पड़े, नहीं 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 कभी आज तक ऐसा था, हमने नहीं बोला, कभी आज तक नहीं बोला होगा हमने, कभी भी किसी मुसलमान के लिए। देखिए आज अलीगढ़ जिले में गोंडा थाने की घटना थी, जो विधायक जी के साथ हुआ उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे रूरल एसपी आरए अतुल शर्मा जी को अलीगढ़ से ट्रांसफर कर दिया गया, एसओ गोंडा अनुज सैनी को सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई की भी सेटअप कर दी गई। उसके बाद जो विधायक जी द्वारा कंप्लेंट दी गई है वो भी डीएम साहब के द्वारा अलग से जांच कराई जा रही है, उसमें दोषी पाने के जाने के बाद फिर विभागीय जो दंड होता है वो भी दिया जाएगा, आगे एसओ का कभी चार्ज न मिले उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस मुख्यमंत्री जी की कार्रवाई से मैं और मेरे सभी कार्यकर्ता और मेरे विधायक राजकुमार सहयोगी जी हम संतुष्ट हैं पूरे कि इतने मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की, इससे बहुत अच्छा संदेश जनता में जाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और वही आज संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। तो बीजेपी की पार्टी सत्ते में है, उसके बावजूद भी ये वाक्या हुआ, इसके लिए आगे से ना हो इसके लिए आप क्या देखिए, इससे बड़ी बात क्या भाई, आप देख रहे हैं केवल 5 घंटे के अंदर एसपीआरए को हटाना, एसओ को सस्पेंड करना, एसओ की विभागीय जांच करना, डीएम से डीएम अलग जांच कर रहे हैं, उसके बाद जांच होने के बाद उसके खिलाफ विभागीय पूरी कार्रवाई की जाएगी, उसकी बुक होती है जो विभाग की उस पर लिखा जाएगा कि जीवन भर उनको एसओ का चार्ज नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है मुख्यमंत्री जी की। एक सेकंड, आज जो गोड़ा में घटना हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जल्दी संज्ञान लिया है
मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूं। गोंडा के चौकीदार द्वारा एक वो कहा गया है कि आपके द्वारा बलात्कार की गई थी, वो जांच का विषय है, उसकी जांच होगी और हमने भी एप्लीकेशन दी है और विभाग की तरफ से भी जांच हो रही है और डीएम साहब के स्तर से भी जांच होगी, उसके बाद जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आगे से इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सर बीजेपी पार्टी क्या करेगी? इतनी जल्दी सीएम साहब ने इस घटना को लिया है, कार्यकर्ताओं में जनता में वो संदेश गया है कि 5 घंटे के अंदर सीएम साहब ने इतनी जल्दी कार्रवाई की है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ और कार्यकर्ता भी, क्षेत्र की जनता भी, अलीगढ़ जनपद की जनता भी संतुष्ट है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इसका। देखिए एक सूचना आई थी जो कि स्थानीय जो विधायक वहाँ पे राजकुमार सहयोगी जी हैं उनके साथ थाने में कुछ बात हुई थी, इसको लेकर के उनके द्वारा जो बात कही गई थी उसमें संज्ञान लेते हुए शासन स्तर से निर्णय लिया गया कि जो स्थानीय थाना अध्यक्ष है चूँकि वहाँ पर घटना हुई है तो फिलहाल जब तक जाँच हो रही है उनको सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है और जांच के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो विधायक ने जो आरोप लगाया है कि मारपीट और कपड़े फाड़े, आप देखिए ये उनका अपना वर्जन है परंतु चूंकि इसकी जांच की जा रही है, इसमें मैंने मजिस्ट्रेट्स को कहा इसमें जांच कर लें, पुलिस अधिकारी और सीनियर अधिकारी इसकी जाँच कर रहे हैं, जैसा होगा क्योंकि एक पक्षी बात है और दूसरे पक्ष की बात अभी नहीं सुनी गई है, तो जिस हिसाब फिलहाल शासन ने इस पर जो निर्णय लिया है उसके अनुसार उसमें एसएसपी के स्तर से उनको निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। एक माननीय ने कहा है कि एसपी को भी ट्रांसफर किया गया है, नहीं वो तो हमें जानकारी नहीं ली, पर जो एसपी ग्रामीण के बारे में अगर मेरी अभी इस तरह की मेरी जानकारी में नहीं। सर थाने के चौकीदार एसपी साहब का कहना यह है कि देखिए जिसका भी कहना है अब वो सारा जाँच का विषय है, कितने दिन में होगी जो एप्लीकेशन लिख के दिया है विधायक जी ने उस पर हमारे अधिकारी तो वहाँ जाकर के मौके की पूरी जांच कर ही रहे हैं और एक पक्षी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, फिलहाल तात्कालिक रूप से चूंकि विधायक का आरोप है उस आरोप के आधार पर सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट उसके अंतर्गत निलंबित उनको करके उसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस का वहाँ संवाद अच्छा नहीं, जनता की 4 गांव के बीच में एक प्लानिंग हो रही हो 100 लोगों के बीच में कि जाते जाते जो पीटना है अशोक को, उसके बाद पुलिस का जो वहाँ के लोकल लोगों में कोई वो नहीं कि नहीं, ये जानकारी में हम लोगों के नहीं है कि वहाँ पे क्या स्थिति है, फिलहाल अभी इनके सारे लोग आए थे हमारे पास जो स्थानीय माननीय सांसद विधायक दोनों सांसद विधायक सारे लोग आए थे तो सबका बात हमने सुना है और सारे प्रकरण से शासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लेते हुए जो उसमें यथोचित कार्रवाई थी वो कर दी गई शासन। इसको तहरीर भी दी है सर विधायक ने? हाँ एक एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच करा रहे हैं। जांच की अवधि क्या, जितनी जल्दी से जल्दी हो पूरी जाँच आ जाएगी, कोशिश करेंगे शीघ्र इसमें जाँच हो जाए।